वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सना खान आज फिर से लेके आई हूँ आपके लिए एक न्यू वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन प्रेस कर दें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस एपिसोड में मैं लेके आई हूँ आपके लिए अंडे से बना हुआ ब्रेकफास्ट रेसिपी, जिसे आप घर पे बहुत ही कम चीज़ों के साथ बना सकते हैं और बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी बनता है ये नाश्ता। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे ये दो अंडे लिए हैं और एक कप दूध लिया है और एक कप लिया है मैंने मैदा। तो ये दो अंडे हैं, इन्हें हम बोल में इस तरह से तोड़ लेंगे। तो ये मैंने तोड़ लिए हैं, अब इनको फेंट लेंगे थोड़ा सा। बस अब इसमें हम मिल्क ऐड कर लेंगे, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे मैंने ये मिल्क लिया है, दूध लिया है, इसे हमने ऐड कर लिया यहाँ पे। और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके मैदा ऐड करेंगे। मैदे की जगह पे आप आटा भी यूज़ कर सकते हैं, आटे के साथ भी बहुत टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा करके मैदा यूज़ कर रही हूँ इसमें और मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें मिक्स करेंगे जिससे लम्स ना पड़े इसमें, बिल्कुल गुठलियाँ ना पड़े। तो बस हम सारा इसमें ऐड कर लेंगे, इस तरह से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। एक स्मूथ सा बैटर बनाना है हमें इसका। बस ये बन चुका है लम्स फ्री, मैंने बैटर तैयार कर लिया है। अब इसमें आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे, टेस्ट के हिसाब से आप नमक ऐड कर लें। यहाँ पे आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ मैं। यहाँ पे आप चाहें तो लाल मिर्च का पाउडर भी यूज़ किया जा सकता है, और अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप काली मिर्च का पाउडर ऐड करें। बस ये मिक्स हो चुका है, अब इसे हम मिक्स करके साइड में रख लेंगे। और हम एक और बर्तन लेंगे, एक और प्याला ले लेंगे, और उसमें मैं यहाँ पर तीन एग को तोड़ रही हूँ। तो हमें टोटल पाँच एग चाहिए इसके लिए, और ये कम एग के साथ भी आप बना सकते हैं कम क्वांटिटी में अगर आप बना रहे हैं तो। थोड़ा सा नमक टेस्ट के हिसाब से, आधे चम्मच से भी कम मैंने नमक यूज़ किया है क्योंकि हमने बैटर में नमक यूज़ किया है। दो से तीन हरी मिर्च बारीक कटी हुई, दो टेबलस्पून हरा धनिया और एक छोटा सा प्याज बारीक कटा हुआ। आप चाहें तो इसमें टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, बीज निकाल के आप काट के छोटे छोटे डाइसेस में वो ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे से प्याज और हरी मिर्च हरा धनिया ऐड किया है। अब इसे हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इतने सामान में आप दो से तीन लोगों का ब्रेकफास्ट बना के तैयार कर सकते हैं। तो ये हमने मिक्स कर लिया है, अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पैन में मैंने घी डाल लिया एक चम्मच, और अब इसे हम इस तरह से फैला लेंगे और बहुत ही कम ऑयल में ये बन जाता है। आप इसकी जगह पे बटर का यूज़ कर सकते हैं, ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे देसी घी यूज़ कर रही हूँ। और अब इसमें हम एक से दो बड़े चम्मच बैटर का फैलाएँगे। थोड़ा सा मैं और डाल रही हूँ। तो मैंने दो बड़े चम्मच यहाँ पे बैटर डाल दिया है, और इसको पूरे पैन में इस तरह से फैला लेंगे। और अब इसे एक मिनट के लिए पकने देंगे एक साइड से। फ्लेम को लो रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है इसे, अदरवाइज़ ये नीचे से जल जाएगा। तो
फ्लेम को लो रखना है और इसको इस तरह से भी आप थोड़ा सा फैला सकते हैं। तो बस हमने एक मिनट के लिए एक साइड से पका लिया इसे, और अब हम इसे दूसरी साइड से पलट के पका लेंगे। तो हम दूसरी साइड से भी इसे एक से दो मिनट के लिए कुक कर लेंगे। तो मैं एक मिनट बाद वापस पलट रही हूँ इसे, और अब इसके ऊपर हमने जो अंडे का मिक्स तैयार किया है जिसमें हमने प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च ऐड की है, वो यहाँ पे फैलाएंगे इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पे दो से तीन चम्मच मैं वो ऐड कर रही हूँ। तो इस नाश्ते को आप अपने बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं, आप इसे सफ़र में भी खा सकते हैं, सुबह के नाश्ते में या शाम की चाय के साथ आप इसे बना सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस बनता है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो मैं इसे इस तरह से फैला रही हूँ, और आप चाहें तो इसमें छोटे छोटे टमाटर भी, छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में कटे हुए टमाटर भी ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर। बाकी सब्जियां आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं इसमें, आप शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। तो बस इसको हम एक मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे। एक मिनट बाद इसे वापस ओपन करेंगे और इसको पलट देंगे। तो हम इसे दूसरी साइड से भी कुक कर लेंगे अच्छी तरह से। दूसरी साइड से भी हम एक से दो मिनट के लिए पका लेंगे इसे। तो बस ये रेडी हो चुका है, अब इसे पलट लेते हैं। तो ये हमारा कुक हो चुका है। ये देखिए ये रेडी हो चुका है, अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। अगर आपको फोल्ड करने में प्रॉब्लम हो तो ये जो फॉइल पेपर मैंने नीचे लिया है, इस तरह से आप कोई फॉइल पेपर लेके और उससे आप इसे रोल कर लें, लेकिन ये इजीली रोल हो जाता है इस तरह से। तो मैंने इसे पहले रोल कर लिया है, और अब मैं इसे फॉइल पेपर में थोड़ी देर के लिए इस तरह से फोल्ड करके रख दूँगी, जिससे ये इसी तरह से रहे, फिक्स हो जाए एकदम से। तो बस थोड़ी देर मैं इसे इसी तरह से रखूँगी, बाकी के भी रेडी कर लेती हूँ। तो मैंने जब तक बाकी के रेडी करे हैं, मैंने ये सिर्फ एक ही फॉइल पेपर के अंदर रखा है। तो इसको हम काट के निकाल के और काट के देखते हैं। तो ये देखिए मैंने निकाल लिया इसे, और अब इसे काट लेंगे। तो मैंने बाकी के जो है वो ऐसे ही रोल करके और काट लिए हैं। आप चाहें तो इसे बिना फॉइल पेपर के भी फोल्ड कर सकते हैं और उसके बाद इस तरह से कट कर लें। ये देखिए इसे मैंने काट लिया है, और मैं इसे काट के इस तरह से सर्व कर रही हूँ। आप चाहें तो इसी तरह से रोल बना के आप छोटे छोटे टुकड़ों में इसे सर्व करें, या आप चाहें तो इसके दो पीस करके इस तरह से इसे सर्व करें, और इसे आप टोमेटो सॉस, केचप, या आप इसे हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं। और मैंने यहाँ पर इमली की चटनी के साथ सर्व किया है। तो ये देखिए दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, रमज़ान में आप इसे इफ्तार में बना के खा सकते हैं, आप इसे सहरी में भी बना के ले सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है रमज़ान के हिसाब से भी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और अपना फीडबैक हमेशा शेयर ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में ही बेल आइकॉन होगा उसे भी आप प्रेस कर लें, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा, नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो आप बेल बटन को प्रेस ज़रूर करें एक बार, घंटी के निशान को। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।